से, कानून से और खास तौर से लोकसभा के जो कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम है, तो सूरत की एक अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी और 2 साल की सजा होने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 में जैसी सजा होती है उसी के साथ मेंबरशिप चली जाती है। आज लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया और ऐसा कोई अकेले उनके साथ नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक जो खतौली से सैनी होते थे, उनकी मेंबरशिप गई, बाई इलेक्शन हो चुका है। देश में पिछड़ी जाति को सामूहिक रूप से अपमानित करने का काम राहुल गांधी ने किया था। कानून तो पहले से था, एक्ट 1951 से था, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि किसी को 2 साल से ज्यादा सजा हो तो अगर वो एमपी और एमएलए है तो उसकी मेंबरशिप जानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है राहुल गांधी जैसे लोगों की, या वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष का जो बयान है, मैं मानता हूं कि जैसे अंग्रेज जो भी उनके वर्चस्व को चुनौती देता था उसके खिलाफ वो जो मर्जी आए वो उसको अलंकरण कर देते थे, क्रिमिनल कास्ट है ये जो उनके खिलाफ लड़ते थे। दूसरा, मुझे लगता है कि जो राजशाही की प्रवृत्ति है कि हम कानून और संविधान से ऊपर हैं, और इन दोनों चीजों को इस फैसले से विराम लगा है। Democracy, parliamentary democracy, that we've had times where we can have a conversation across the board. When Bharatiya Janata Party had 2 members of parliament, they had all the respect as the leaders of opposition. But today we are seeing an concentrated effort to silence the voice of the opposition. Because Mr. Gandhi has been vocal about various issues, we see this kind of action being taken against him. Till date, there has been no such criminal defamation case which has given a quantum of punishment as high as 2 years. So it is shameful, it is sad, and I think it is time for the voters of this country to introspect. का जो सिलसिला है वो अब ऐसा लगता है कि शुरुआत ये कार्यकर्ता लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं और वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी पूरे जोश के साथ जमीन पर उतरेगी भारत जोड़ो यात्रा के बाद? अब ये एक और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसमें राहुल गांधी केंद्र में है और विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लखनऊ में शुरू हो गया है। राहुल गांधी लेकिन डरने वाले नहीं है, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आ दृश्य में आपने बताई रहा छे उत्तर प्रदेश ना लखनऊ थी के ज्या कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं ए विरोध प्रदर्शित कर्यो छे। राहुल गांधी नी सभ्यपद रद्द थतानी साथे कार्यकर्ताओं मा पण उग्र रोष जोवा मळी रह्यो छे, अने हवे रस्ता पर विरोध प्रदर्शित करता कार्यकरो नो रोष जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे मानहानि केस मा सभ्यपद गुमावू पड्यु छे राहुल गांधीए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द थया बाद ठेक ठेकाणे विरोध प्रदर्शन ना पण दृश्यो सामे आवी रह्या छे। लखनऊ में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द थया बाद कार्यकर्ताओं विरोध पर उतर्या छे अने कांग्रेस ना झंडा साथे उग्र सूत्रोच्चार साथे विरोध प्रदर्शित कर्यो। खास तो देशभर ना कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं में गई काले जे चुकादो सूरत कोर्टे संभळाव्यो ते बाद रोष हतो, प्रदर्शनो पण थया अने आजे सभ्यपद रद्द थतानी साथे ज कांग्रेस मां जाने के भूकंप आव्यो होय तेवी स्थिति चौक्कस थी छे। कांग्रेस ना नेताओं ना आक्रमक निवेदनों सामे आवी रहा छे, भाजप सरकार पर आक्षेपो पण करी रहा छे, परंतु तेनी वच्चे राहुल ने आ एक मोटो झटको कही शकाय। 2024 मां लोकसभा नी चूंटणीओ थवानी छे अने ते पहला कांग्रेस नो सौथी मजबूत चेहरो एवा राहुल गांधी ने लोकसभा नी सदस्यता गुमावी पड़ी रही छे। तेवामां कई रीते कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जे बैठी थवानो प्रयत्न करी रही छे ते बची शकशे ते सवाल चौक्कसथी थाय, अने आ राजकीय झटका वच्चे कांग्रेस ना वरिष्ठ नेताओ आजे सांजे 5 कलाके बैठक पण करशे। कि नेताजी और हमारा झगड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और आगे ले जाइए। सोचिए ऐसी पार्टी, और क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, आप सोचिए क्या स्टेटमेंट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है ये वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरा विपक्ष एक साथ हडल करेगा, एक साथ आएगा? क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है, इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है देश की राजनीति। लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना सर, फैसला कोर्ट का है, कानून उन्होंने बनाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक आप अधिकारी लाए, प्रशासनिक अधिकारी,
और उससे ऐसे केस मुकदमे दर्ज कराए कि उसमें कोर्ट क्या। तो अखिलेश यादव नु आ मुद्दे निवेदन। अखिलेश यादव ने पूछवामां आव्युं के हवे शुं विपक्षो पण एकजूट थशे, एक साथे आवशे। जो के तेओए कोई छणावट ना करी, राहुल गांधी नी सदस्यता रद्द थवा मुद्दे अखिलेश यादवे निवेदन आप्युं छे अने क्यांक आ निर्णय ने तेओए वखोड्युं पण छे। राहुल गांधी नी सदस्यता रद्द थवा बाद शुं विपक्ष एकजूट थशे के केम तेने लईने पण अखिलेश यादव ने सवाल करवामां आव्या। जो के विपक्ष नी एकजूटता मात्र निवेदनोमां देखाय छे, जमीन पर તે આવતી નથી તે પણ એક વાસ્તવિકતા છે। હાલ તો કોંગ્રેસ માટે આ ખૂબ જ ખરાબ સમાચાર, જેમાં રાહુલ ગાંધીનું લોકસભાનું સભ્યપદ રદ કરવામાં આવ્યું છે અને જે પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે લોકસભા સચિવ થકી, તેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આવનારા દિવસોમાં સક્રિય રાજનીતિમાં રહેવાનું અને કોઈપણ પ્રકારની ચૂંટણી લડવાનો અધિકાર રાહુલ ગાંધીને નથી। ત્યારે હવે રાહુલ ગાંધી આગામી દિવસોમાં કઈ રીતની કાયદાકીય લડત લડે છે તેના પર પણ નજર છે। હાલ તો પક્ષ વિપક્ષ તમામના નિવેદનો અમે આપને દર્શાવી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે માનહાનિ કેસમાં સુરત કોર્ટના ચુકાદા બાદ રાહુલ ગાંધીના માથે આ સંકટ તોળાતું હતું કે રાહુલ ગાંધીની લોકસભાની સદસ્યતા તેઓ ગુમાવી શકે છે। ત્યારે હાલમાં જે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા અને રાહુલ ગાંધીને એક મોટો આંચકો કહી શકાય તેવા સમાચાર, તેમનું લોકસભા સભ્યપદ તેઓએ ગુમાવવું પડ્યું છે। હાલ પણ સંસદ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને આજે પણ કોંગ્રેસે મોંઘવારી, અદાણી અને અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર રાહુલ ગાંધીને સજાના એલાન પર આજે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો। વિપક્ષોએ એકજૂટ થઈને રેલી કરી હતી, સડકથી સંસદ સુધી હજી પણ વિરોધ કરવાની અને આ નિર્ણયને વખોડવાની વાત કોંગ્રેસના અને અલગ અલગ પક્ષોના નેતાઓ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેની સામે હવે રાહુલ ગાંધી પર લટકતી તલવાર ચોક્કસથી કહી શકાય, કારણ કે સભ્યપદ રદ કરવામાં આવ્યું છે। આ નિર્ણયને કઈ રીતે પલટાવી શકાય છે અથવા તો કઈ રીતે તેની સામે સ્ટે કે કોઈ વિકલ્પ તેમની પાસે બચે છે કે નહીં, તે સવાલો પણ અત્યારે ચર્ચાઈ રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધી હવે લોકસભામાં પણ નહીં